कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत साहबनगर के रहने वाले 85 वर्ष रामसेवक अवस्थी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं उनके बेटे राजकिशोर अवस्थी पर हत्या करने का आरोप लगा है। आपको बता दें, रामसेवक अवस्थी की सर में चोट लगने की वजह से मौत हो गई। सूत्रों की माने तो बेटे और पिता में विवाद हो रहा था, जिसके बाद बेटे ने पिता को धक्का दे दिया और दीवार से टकराने की वजह से उनके सिर में चोट लग गई और उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने बेटे को हिरासत में ले लिया है और घटना की जांच में जुट गई है।